नमस्कार, मैं हूं प्रणव राज और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। और इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर के आवास पर, जहां से बस थोड़ी ही देर में विवेक ठाकुर जो है वो निकलेंगे अपना नॉमिनेशन करने और विधानसभा में उन्हें नॉमिनेशन करना है। इस वक्त हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर के आवास का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तैयारी है वो चल रही है। खुद डॉक्टर सीपी ठाकुर यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं और इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि कितनी खुशी है। सर, कितनी खुशी है विवेक जी नॉमिनेशन करेंगे? बहुत खुशी है। सब ईश्वर की मर्जी से सब हुआ। एक मैं माननीय अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। सर, क्या कुछ जो आपका काम था जो नहीं आप कर पाए थे वो विवेक जी पूरा कर पाएंगे? ज़रूर करेंगे, करना ही चाहिए उनको। जो काम नहीं हुआ उसको आगे बढ़ाएंगे, विवेक जी करेंगे। कोई विशेष कार्य सर जो बिहार के लिए, कोई विशेष बिहार के लिए कार्य? बिहार के लिए तो बिहार अविकसित प्रांत है, जितना काम जिधर करेंगे वही बहुत होगा। बिल्कुल, तो साफ तौर पे विवेक ठाकुर जो हैं वो सीपी ठाकुर के जो भी अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करेंगे और डॉक्टर सीपी ठाकुर को पूरा विश्वास है कि जो विवेक ठाकुर हैं वो कार्य करेंगे और बिहार को जरूर आगे तक ले जाएंगे। तो यह साफ है, जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। आपको बता दें कि राजधानी पटना में जो मौसम का मिजाज है वो बदला था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद उसके जो उत्साह है कार्यकर्ताओं का वो कम नहीं हो रहा। और डॉक्टर सीपी ठाकुर के आने के बाद उत्साह जो है और वो बढ़ चुका है और बस तैयारी जो है वो लगभग पूरी है। किसी भी पल ये लोग यहाँ से निकलेंगे और विधानसभा डायरेक्ट जाएंगे, जहाँ पे विवेक ठाकुर नॉमिनेशन करेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर सीपी ठाकुर अभी राज्यसभा सांसद हैं और उसी सीट पर विवेक ठाकुर नॉमिनेशन करेंगे और राज्यसभा जाएंगे। हम आपको पल पल की अपडेट्स दिखा रहे हैं। राज्यसभा के जो भी उम्मीदवार हैं वो जब नॉमिनेशन करते हैं या उनका नॉमिनेशन होता है उसके बाद और क्या कुछ होते रहता है, हम आपको सभी अपडेट्स सबसे पहले दे रहे हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।